Good mornings. Today topic jo friends hai mera Euler's theorem of homogeneous function. Basically the jo hai ye mere engineering students ka topics hai aur bahut hi important topics hai. और जो BSc और MA students होंगे उनके partial derivative का एक topics है. This is the Euler's theorems. बहुत ही important and logical based problems रहते हैं. बहुत ही simple से. तो पहले हम क्या करेंगे, जो राइट अप करेंगे होमोजेनियस फर्स्ट फंक्शन को हम देखेंगे, व्हाट इज द होमोजेनियस फंक्शन, देन वी कैन डिसाइड द यूलर्स थ्योरम. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वी चेक इज व्हाट इज द होमोजेनियस फंक्शन. होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है, व्हाट इज द होमोजेनियस फंक्शन is a very important. अगर suppose ये given a polynomial, so a function is said to homogeneous if each and every terms have same degree. Simple, कि जब अगर if function जो given है homogeneous की categories में आता है, तो it means है कि if function fx y and two variables more than three variables doesn't matter here. Suppose जैसे is given कि function of fx y, ठीक है, if function फंक्शन एफ एक्स वाई, ठीक है, दिस इज ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस, होमोजीनियस ए फंक्शन इज होमोजीनियस, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट. कि फंक्शन इज होमोजीनियस देन डिग्री ऑफ ईच टर्म आर सेम. Homogeneous if degree of each terms of a function are same. मीनिंग क्या है कि जो भी इस फंक्शन के जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे सब टर्म्स की डिग्री सेम होती है. अगर यदि मोर देन पॉलिनोमियल्स प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब सॉरी मल्टीपल्स ऑफ मोर देन वेरिएबल्स है, तो हम क्या करते हैं उनके इंडिसेस को ऐड कर देते हैं. सिंपल, जैसे कि फॉर ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, हमने लिख दिया एक्स रेस टू फोर एक्स क्यू वाई प्लस थ्री एक्स वाई क्यू x square, 2x square, y square and so on. What is the degree? That is important hai. How to find the degree of the given polynomial? So there are two indices here. This is the degree is 4. Here this is power 1. So that is, हम क्या करेंगे इस पावर को ऐड कर देंगे. जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल की जो पावर है उनको ऐड करके हम डिग्री फाइंड करते हैं. दैट इज सिंपल लॉजिक फ्रेंड. सो दिस इज 3 प्लस 1, we get 4. Here is also 1 plus 3 4 and here is 2 plus 2, that is a 4. So jab when degree of each terms of the function are same, that case we can say that ki function is homogeneous. That is it, clear? Suppose ek another example, this is maan lijiye fx y z, three variables le liye, to no problem. This is x square x z, this राइट अप कर लिया मैंने, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर इस तरह से, ठीक है, एक्स क्यू वाई स्क्वायर, ठीक, एंड या ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इस तरह से राइट अप कर सकते हैं आप. प्लस एंड जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मेरा कहने का ये सेंस है कि डिग्री कैसे आप फाइंड करोगे जब मोर देन वेरिएबल्स मल्टीपल्स होंगे, तो उस केस में डिग्री हमें फाइंड करनी है, तो इनके पावर्स को ऐड करके हम डिग्री फाइंड करेंगे. दैट इज योर 5, 2 प्लस 2 सेम हो गया. सो यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं, एक्स मान लीजिए एक्स हो गया और वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 और जेड स्क्वायर कर देते हैं,
दैट इज हियर, समझ में आई बात? सो दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 2, दिस इज 5, सो इट मींस दैट इज अ होमोजेनियस कैटेगरी। बट ये होमोजेनियस है, बट ये डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट होंगे सॉल्व करेंगे वो अनदर पार्ट पार्ट्स है। बट दिस इज फर्स्ट, ये डिग्री ऑफ द सेम इज वेरिएबल, इज टर्म आर सेम, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज होमोजेनियस। ठीक है, अनदर मोस्ट थिंग्स कि फंक्शन होमोजेनियस है कि नहीं है वो भी चेक करना है। सपोज जैसे गिवन क्वेश्चन हो जाए कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। सॉरी, फर्स्ट ये अभी डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट फाइंड आउट नहीं किया है, इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट को अभी मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि होमोजेनियस की कैटेगरीज में क्या क्या वर्क किया जा सकता है। सो नाउ कम, अब देखते हैं, एक अनदर डिफरेंशियल हम यहाँ पे लिखेंगे और देखेंगे इसका पार्टिकुलर डेफिनेशन क्या हो सकते हैं। सो लेट एफ एक्स वाई जेड, लेट एफ एक्स वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन, बी ए होमो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया कि भी इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ओके, दैट इज हियर। सो सपोज दिस इज जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, अदरवाइज जेड इज इक्वल टू दिस इज ए नॉट एक्स रेस्ट टू एन प्लस ए वन एक्स रेस्ट टू एन माइनस वन वाई, a2 x raised to n minus 2 y square plus an x y raised to n। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहां पे प्रिपेयर करेंगे और देखेंगे दिस इज हाउ टू द होमो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ होमोजेनियस। सो नाउ टेकन दिस इज x raised to n इज कॉमन हियर, a not x raised to n upon common plus a1 दिस इज y upon x, a2 y upon x whole square up to an y upon x raised power n। Okay, that is here. So here a0 is present here, it means that term here, write down this is y upon x raised power 0. So to this is the matlab inside jo brackets hai is totally function of y upon x. Okay, that is the function of y upon x. So now it can be written as this z x raised to n phi y upon x. This is, that is the standard format of homogeneous functions. ठीक है? Otherwise, or the when we taken here, suppose this is taken y raised to n common. This is everyone has taken the y raised to n common. So z is equal to, suppose this is y raised to n. So there is chain the function y raised to n common, this is x upon y. Okay, so that is the standard function of homogeneous. Okay, clear? So that is a standard function of homogeneous. So, अब हम जो भी होमोजेनियस में यदि आपको कन्वर्ट करना है कि फंक्शन इज होमोजेनियस है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, इन दोनों फॉर्मेट में एनी वन में कन्वर्ट करना है एंड कंपेयर टू डिग्री, दैट इज द डिग्री इज इंपॉर्टेंट है। सो हाउ टू फाइंड द फॉर यूलर्स होमोजेनियस थ्योरम केसेस, डिग्री मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज टेक केयर, सब टेकन द सम प्रॉब्लम्स देन वी क्लियर कि फंक्शन होमोजेनियस हाउ टू फाइंड। सो नाउ come to this very important, this is where n is the degree, n is 1, f of y by x is the function, is a very important topics. So take care. Now taken some example here, then your doubt is clear. Suppose this is z is equal to x square y square upon root x plus root y. That is a simple take in the problems. Degree of numerator and degree of denominator separate different hai, but same hai. Numerator degree same, denominator degree same. No doubt. So
So that is your verb first. Taken the highest power of numerator is common and highest power of denominator of x is common. So this is taken x square common. So it can be written as 1 plus y upon x whole square divided by root of x is common 1 plus y upon x root x. So that we can solve this x raised to 3 by 2 z. Okay, and this is the function of category, this is y, y upon x. Okay, all term in y by x, 1 means 1 is also, it can be written as y upon x raised power of 0. Okay, that is your y of x raised power 0, aap write up kar sakte ho, no doubts. So clear this is y upon x. So now suppose this is find out the degree, so x raised to n 5 y upon x compared to find n is 3 by 2. So that is the degree. Okay, that is it means which is the homogeneous, no problems. Okay, another take the problem, this is z is equal to sine y upon x inverse. So that is function, it means it can be written as is x raised to 0 sine inverse y upon x, because which is the function of y upon x, no doubts, z x raised to 0. So that case is degree, no problem, that is clear. This is homogeneous function. Okay, up now this is second problem, so is homogeneous ho gaya ye. Up suppose z is equal to humne le liya ki sine inverse x square plus y square upon x plus y. First we homogeneous or not, this is when then find out the degree, it is important. What is the degree? Numerator degree is above is 1, but here how to find out degree? So that is your first work friends, ki aap pehle kya karo, first is convert standard format, then you can say that which is homogeneous or not. If homogeneous, then find out the degree, is important topics. So now come to this is here first sine inverse taken x square y, so x square 1 plus y upon x whole square, that is divided with also x common 1 plus y upon x, no problems. So we get this sine inverse x inside 1 plus y upon x whole square upon 1 plus y upon x. But here which is not function of y upon x, because here that create the problems. Very well, sine inverse h, but here is create the problem. Agar ye problems nahi hote, so that is a homogeneous. So it means here create the problems, but which is not function of y upon x, matlab which is not a function of y by x, simple. So it means which is not homogeneous, this which is not homogeneous. Okay, this is not homogeneous, then it means y by x me convert nahi hota, not homogeneous. So take care. To ab ek sochne wali baat hai ki agar hum trigonometrical functions given ho to homogeneous me kaise converts hoga, is important. So only one possibility is here friends, जब trigonometrical function is given हो, suppose जैसे given हो कि z is equal to sine of inside this, तो which is only possibility जब homogeneous, जब degree of numerator and degree of denominator are same, जब when trigonometrical with theta, समझ में आ रही बात, that is theta, suppose this is theta है, और theta equal to is a function of here this is f1x, suppose this is f2x, तो जब when degree of f1x and degree of f2x are same, then you can say that which is the homogeneous function. Clear? And that case is, agar outside kuch bhi nahi ho, then that case is degree is 0. Though that is important, here ki f1 degree of f1x and degree of f2x are same, then z equal to
साइन थीटा इज होमोजेनियस। ओके सो दैट इज क्लियर। इट मीन सपोज जैसे जेड इज इक्वल टू हमने लिख दिया कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो दैट इज द होमोजेनियस। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को ऐसे करने हैं आपको, दैट इज अ होमोजेनियस कैटेगरीज। अब ऐसा नहीं है कि जब होमोजेनियस नहीं होगा तो वो सॉल्व नहीं होगा, वो सॉल्व होगा प्रॉब्लम, बट हमें सिर्फ होमोजेनियस चेक करना है। होमोजेनियस नहीं है तो कैसे सॉल्व होगा, वो अनदर पार्ट्स है। सो नाउ अब हम वर्क करते हैं, दिस इज अ यूलर्स होमोजेनियस फंक्शन थ्योरम्स, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक इज हियर हियर यूलर्स होमोजेनियस फंक्शन, दैट इज हियर यूलर्स होमोजेनियस, ये गिवन है। तो अब हम यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आप हमें कंसीडर करने के लेट जेड बी ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, देन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड, दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन। ये होमोजेनियस फंक्शन है, दिस इज यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर। ओके दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर। तो सपोज जैसे वो प्रूफ भी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम्स है। सो जेड इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, से सपोज जेड इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन फाई वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फाइंड हियर एंड हियर फाइंड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रूफ दैट इज राइट हैंड साइड आर नॉट। सो फर्स्ट यू फाइंड आउट डेल जेड डेल एक्स, मीनिंग्स एवरीवन इज नो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज द कॉन्स्टेंट। ओके तो नाउ डेल जेड डेल एक्स हियर दिस इज यू इंटू वी रूट एक्स एस टू एन वाई डैश वाई अपॉन एक्स इंटू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई बाई एक्स डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स माइनस हियर एंड प्लस वाई वाई अपॉन एक्स and nx raised to n minus 1. So now adjustments kar lijiye here, numerators y x raised to n minus 2 here minus y dash y upon x plus nx raised to n minus 1 y y upon x, this is del z del x. Similarly del z del y here, that is the constant, only this here constant है, तो only this means x is to n y dash y upon x into y upon x. Okay, so y that is 1, it can be written as x is to n minus 1 y dash y upon x. Okay, this is equation number which is 1 which is 2. ठीक, अब taking LHS, so now taking left hand sides, so x del z del x plus y del z del y, now proving it, x del z del x means here multiplications of this x del z del x, so x del z del x means here x what x minus y x raised to n minus 1 y dash y upon x or here plus n x raised to n y y upon x and here the y se multiply kar denge to y x raised to n where y x raised to n minus 1 plus y x raised to n minus 1 y dash y upon x. So look here, that is and that is the cancels, only this, so which is z already and this is n,
तो इस टू वी डियर कि एक्स डेल जेड डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड, दिस इज प्रूफ। तो इस तरह से हम होमोजेनियस फंक्शंस को प्रूफ कर सकते हैं। नाउ अनदर्स गो, अगर सपोज फ्रेंड्स यहीं पे हो जाए कि यू सपोज यू इज अ फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, यू इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ होम एक्स वाई जेड एंड डिग्री इज एन, सो दिस इज दैट केस एक्स डेल यू डेल एक्स वाई डेल यू डेल वाई जेड डेल यू डेल जेड इक्वल टू एन यू, ठीक है। This is that case the when we represents करें, so that is the homogeneous. But here n is the homogeneous function, u is the homogeneous function of x, y, z. This is homogeneous of x, y, z. So here this is the first order. Now go to the second order, homogeneous function of higher order. यूलर्स थ्योरम, दिस इज यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम ऑफ हायर ऑर्डर, यूलर्स थ्योरम ऑफ हायर ऑर्डर इट्स हियर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। तो न्यूमरेटर जो है वैसे ही रहेगा आपका जेड, मतलब जेड इज ए होमो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री एन। सो दैट केस व्हाट व्हाट इज द सेकेंड ऑर्डर हो यूलर्स यूलर्स थ्योरम्स ऑफ होमोजेनियस, दिस इज एक्स स्क्वायर डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू जेड, दैट इज द फार्मूला। तो ये बहुत ही बेसिक और कंसेप्टुअल फार्मूलेज हैं। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे, देन देखेंगे कैसे वर्क हो सकता है। तो पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम इसके कुछ मोर देन होंगे और फिर उसके बाद एक डिडक्शंस का लेक्चर होगा, उस पर वर्क करेंगे। सो देखिए और सम प्रॉब्लम्स ले लिया मैंने हियर और उनका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूलर्स थ्योरम फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर दोनों को फाइंड आउट करना है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इस टॉपिक्स को हम देखते हैं, फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैं आपको ये बता दूं, दिस इज लास्ट के जो थ्री प्रॉब्लम्स हैं ये थोड़े डिफरेंट हैं, जिनको हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, बट इज योर फर्स्ट टू जो ये प्रॉब्लम्स लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजिली वे में सॉल्व किया जा सकते हैं। सो फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट है कि फाइंड आउट द डिग्री। जब आप डिग्री फाइंड कर लेंगे तो ये सॉल्यूशंस यूलर्स थ्योरम को फाइंड आउट कर लेंगे। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक्स डेल जेड डेल एक्स y del z del y and second orders, okay. So now first taking the first problems, z is equal to x cube y cube upon root x plus root y. So now you, that is your first work, find out the degree. So when you find out the degree, then we can go the solutions important. So how to find the degree, first taken x cube is the common in numerators and it can be written as this 1 plus y upon x cube, and denominators taken the common root x is common 1 plus y upon x under roots here. Up which is totally function y upon x, and where is go to this three
3 minus 1 by 2, 3, 2 just 6 or 5, 5 upon 2. So this is simplifications, x raised to 5 upon 2, 5 y upon x. This is a function. ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ फंक्शन y upon x में कन्वर्ट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है. ऑल टर्म जब y upon x में कन्वर्ट हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन y upon x है. तो दिस इज z इज इक्वल टू x raised to 5 upon x. तो डिग्री n इज इक्वल टू 5 upon 2. दिस डिग्री इज फाइंड आउट. ठीक है, अब और जो यूलर्स थ्योरम जो भी फाइंड आउट करना है आपको, यूलर्स थ्योरम, तो फैक्स x डेल z अपॉन डेल u, सॉरी डेल z डेल x, y डेल z डेल y इज इक्वल टू n z. तो n इज z 5 बाय 2 z. और आप चाहें तो z की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स है. अदरवाइज एडिटिव वो अकॉर्डिंग डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम्स. तो आप z की वैल्यू अगर पुट अप करेंगे तो दैट इज योर जाएगा 5 अपॉन 2 x क्यूब y क्यूब अपॉन रूट x प्लस रूट y. दिस इज हियर. अब सेकेंड यदि आपको फाइंड आउट करना है सेकेंड ऑर्डर, दिस इज x स्क्वायर डेल 2z डेल x स्क्वायर 2xy डेल 2z डेल x डेल y y स्क्वायर डेल 2z डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू n इनटू n माइनस 1 इनटू z. दैट इज इंपॉर्टेंट. तो गो फॉर हियर, दिस इज 5 बाय 2, 5 बाय 2 माइनस 1 इनटू z. सिंपलीफाई कर दीजिए, 5 बाय 2 इनटू 3 बाय 2 z, 15 बाय 4 z. सो दैट इज योर आंसर्स. तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करना है. सो नाउ टेक केयर दिस अगेन, दिस गो. तो हियर इज आल्सो सेम, आप पहले डिग्री फाइंड आउट करना है, मस्ट बी इंपॉर्टेंट है. तो डिग्री जब आप फाइंड आउट कर लीजिए उसके बाद नेक्स्ट वर्क हो जाएगा. कम ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. आप सिंपली डिग्री आई विल मैं आपको बता दे रहा हूं क्या हो जाएगा. दिस इज x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन x प्लस y है, दिस इज रेस पावर 1/2. ठीक है, तो फर्स्ट इन साइड जो रूट है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर डिग्री फाइंड आउट कर लेंगे. तो फर्स्ट वी टेक द कॉमन x स्क्वायर कॉमन 1 प्लस y अपॉन x, एंड हियर डिनोमिनेटर से x कॉमन कर लीजिए, दिस इज 1 प्लस y अपॉन x, हियर होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड होल रेस पावर 1/2, हियर दिस इज x और x इज हियर और रेस पावर मींस x रेस टू 1/2 टोटल, और इनसाइड दिस 1 प्लस y अपॉन x होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y अपॉन x. दिस इज फंक्शन phi अपॉन y अपॉन x, दैट इज अ z. सो दैट इज फाइंड आउट, दिस इज n, सॉरी n इज इक्वल टू 1/2 डिग्री. तो n इज डिग्री फाइंड आउट, तो जो भी रिक्वायर्ड सो आप फाइंड कर लीजिए. दिस इज x डेल z डेल x y डेल z डेल y इज इक्वल टू n z, दिस इज 1/2 z. And similarly, second orders. Okay, now next. Go to the thirds. Third is important. अभी कह रहे हैं कि homogeneous है कि नहीं है. First, देखिए ये numerator and denominator सबकी power of same है, तो ये homogeneous होगा. Simple है कि z is equal to sine of inverse x square y square. X square minus y square, this is, so z is x is to z, 5 y upon x. अब convert कर लीजिए, this is n is equal to 0, degree that case is 0, because in numerator and denominator की power same है, तो convert to the y by x format, then we can convert directly to the right outside this x is to 0, sine of x, it can be written as x is to 0, sine 1 plus y upon x, whole square 1 upon minus y upon x whole square, that is here. So here degree is n, so it gets x del z del x
y del z del y is equal to nz, this is 0. Okay, similarly this is x square del 2z del x square, 2xy del 2z del x del y, and y square del 2z del y square equal to 0. N into n minus 1 something, then you can say that is 0. Now next thing is very important. फोर फाइव सिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है और इस तरह के प्रॉब्लम अब यहाँ पे कह रहा है कि जो अभी तक आपने जो भी पढ़े वो सिंगल टर्म्स थे बट हियर कह रहा है कि मोर देन टर्म्स है दिस इज वन टू मोर देन टर्म्स बट डिफरेंट डिग्री ठीक है सपोज आप पे एक कंसिडर कर लीजिए कि जेड इज इक्वल टू एक गिवन फंक्शन है मोर देन सपोज जेड इज इक्वल टू वी वन एक्स प्लस वी टू ठीक है where v1 and v2 are homogeneous function of degree n1 and n2 where ठीक है v3 भी कर लेता हूँ चलिए where v1 v2 v3 are homogeneous function of degree n1 N2 and N3. This is the degree of homogeneous function. तो very important है आप ये simple logics समझ में आ रही बात. तो अब ये formula हमें creates करना है. तो formula क्या होगा सबको मालूम है. तो हम उससे formula को converts करेंगे. जैसे होता था कि z is equal to x to n 5y upon x. So this is homogeneous x del z del x. y del z del y is equal to nz. तो इसको ये बेस करके हम ये फार्मूला यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं नो प्रॉब्लम्स है ठीक है क्लियर तो दैट इज इजी एज अ फार्मूला अप्लाई करेंगे फॉर दिस इज सो फॉर वन के लिए जाएगा आपका होमोजेनियस यूलर्स थ्योरम सो x del z del x y del z del y is equal to same work होगा but here different it means यहाँ पे जाएंगे n1 v1 n2 v2 n3 v3 that is important ठीक है this is the first order Euler's theorem n1 v1 n2 v2 n3 v3 सिंपल है आप del z del x फाइंड कर लीजिए फिर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर del z del y फाइंड कर लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड वी कैन से दैट वी गेट दिस ओके तो आप इस तरह से ये वर्क कर सकते हैं दिस फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्या हो जाएगा x स्क्वायर डेल 2 z डेल x स्क्वायर 2xy डेल 2 z डेल y स्क्वायर डेल 2 z डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू n1 माइनस v सॉरी n1 माइनस 1 V1, N2, N2 minus 1, V2, N3, N3 minus 1, V3. That is the formula. तो according to this अब ये work हमें कर लेना है तो 4-5 में ये logic use होने वाला है There are two functions है इन function को हम combine करेंगे और solutions को find out करेंगे Okay, now come. देखते हैं तो दैट सपोज दिस इज द v1 एंड दिस इज v2 ओके तो v1 फर्स्ट फाइंड आउट द डिग्री इज इंपॉर्टेंट है जब व्हेन यू फाइंड आउट द डिग्री इज इंपॉर्टेंट तो आप जब डिग्री फाइंड आउट कर लेंगे तो सॉल्यूशंस फाइंड आउट होगा तो डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट डिग्री तो नाउ v1 एंड z इज इक्वल टू लेट So v1 is equal to here हमने कर लिया this is the x cube plus y cube upon y root x. तो first you find out the degree is important and v2 is here. So बस v1 x cube is common. तो 1 plus y upon x whole cube
एंड डिनोमिनेटर आल्सो रूट एक्स कॉमन, व्हाट इज योर वाई। तो अब देखिए पहला वर्क है कि ये होमोजेनियस वाई अपॉन एक्स में सभी टर्म्स होने चाहिए, तो क्या करेंगे आप एडजस्टमेंट करेंगे x से हियर और फिर x से मल्टीप्लाई, दैट इज अ एडजस्टमेंट, क्योंकि हमें y by x के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज हियर एडजस्टमेंट कर लिया हमने, दिस इज x क्यूब अपॉन x रेस्ट टू अप 3 बाय 2 हियर, और द व्हेन कंसीडर दैट पर्सन दिस इज 5 y अपॉन x, इंपॉर्टेंट 3 माइनस 3 बाय 2, सो दिस इज 3 बाय 2 x raised to 3 by 2 pi y upon x, this is the value of v1, so now v1 is equal to x raised to n1 of phi 1 kar dete hain, phi 1 y upon x, so n1 is equal to 3 by 2 degrees, n1 find out, now v2 up next, v2 1 upon x raised to 7 sine inverse x square y square upon x square plus 2xy, x is to minus 7 sin inverse x square common हो जाएगा y upon x whole square divided 1 plus y upon x 2y upon x, this is minus 7 by 2y upon x v2, that is convert to function y upon x form, now this is n2 is equal to minus 7, n2 find out, okay, so now Euler's theorem of now here, so z is equal to v1 plus v2 different degrees, so Euler's theorem x del z del x y del z del y is equal to, तो v1 is n1 v1 plus n2 v2, n1 3 by 2, so this is 3 by 2 v1 and minus 7 v2, this is equation number 1, okay, second order find out, this is second order, second orders means x square del 2z del x square 2xy del 2z del x del y plus y square del 2z del y square is equal to, so n1 minus 1 v1 n2 minus 1 v2, v1 v2 आप पुट अप कर देंगे फाइनली, सो n1 दिस इज 3 by 2 3 by 2 minus 1 v1 plus minus 7 minus 7 minus 1 v2 and then 3 by 2 1 by 2 this is 3 by 4 v1 और minus 56 हो जाएगा v2, this is, अब क्या होता है कभी कभी क्वेश्चंस में इन दोनों का सम पूछ दिया जाता है, तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हो जाए तो आपको क्या करना होगा 1 प्लस 2, तो इन दोनों का जब सम पूछा जाएगा तो दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद आप वर्क फाइंड आउट कर लीजिए, इज इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको, सो दैट इज टेक केयर, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है थर्ड v1 v2 finally put and evaluate, okay, bye, this is clear, now come to this is important, this is v1 v2 v3, v1 v2 v3 that is three terms and find out the degree, that is worst is important hai ki find out the degree, then we go to another work, so v1 is equal to sine of xy upon x square plus y square, degree of each term is same hai yahan pe, to aapko kya kar lena hai, this is x raised to 0 sine, dekh lete hain x x square ho jayega y upon x aur denominator x square 1 plus y upon x whole square,
दैट इज द लॉजिक था, ये एडजस्टमेंट करना है, आप मल्टीपल्स में है तो देन ये आप एडजस्टमेंट कर लीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब हो गया एक्स रेस टू जीरो फाइव वाई अपॉन एक्स, दिस इज फाइव वन वी वन, तो दिस इज एन वन इज इक्वल टू जीरो, कंपेयर दिस, ओके एन वन इज जीरो, नेक्स्ट एन टू वी टू, गो फॉर वी टू, एक्स स्क्वायर y square under roots. So taken x square is the common. So x raised to 1 by 2 common here and 1 plus y upon x whole square under roots. So decrease this is v2 is equal to x raised to n2 phi 2y upon x. So this is n2 is equal to 1. This is degree n2 is 1. And next go to v3 here. X square y square x plus y. So now taken the common of here x square. But अब क्या friends है, देखते हैं, तो y square upon this is x is common 1 plus y upon x. But numerators में क्या है, अब ये y upon x में convert नहीं हुआ, तो पहले आपको x y upon x में converts करना होगा adjustment करके. So that is here, तो x हो गया, no problem. But is here, तो x square y upon x whole square divided by 1 plus y upon x. ये थोड़ा different logics हैं, इनको convert करना है standard format में, then we go to the solutions. It's important. So that is phi upon x, here x cube, this is phi 3 y upon x. So this is v3, तो n3 is equal to 3. तो डिग्री फाइंड आउट हो गया n1 n2 एंड n3, देन गो फॉर सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट, गो टू द सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट, फर्स्ट दो गो फॉर सॉल्यूशंस, फर्स्ट x डेल z डेल x, या z इक्वल टू v1 v2 v3, सो y del z del y is equal to this n1 v1 n2 v2 n3 v3, so we get n1 0 into v1 n2 1 v2, or here this is 3 v3, so v2 is here what, x square plus y square under roots and 3 v3, this is x square y square, sorry x square y x plus y, that is the required. तो similarly यदि और कुछ जो find outs करने हैं आप उसको according target करके calculations को find out कर सकते हैं, so take care is important, okay. Now go another last question solutions. तो एक मिनट सो दैट इज सॉरी फ्रेंड दिस इज टी गिवन है तो नॉट हियर टी यू जेड होगा दैट इज हियर द टी बिकॉज दिस इज द टी ओके दिस इज गिवन अ फंक्शन इज टी सो एवरीवेयर इज द टी तो नाउ अब नेक्स्ट जो थिंक है दैट प्रॉब्लम्स अब आते हैं गो टू दिस तो ये भी सिंपल इज है आपको क्या करने लें जैसे दिस इज आल्सो v1 v2 v3 ओके तो v1 व्हाट इज द फर्स्ट v1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर दिस इज x रेस टू माइनस 2 और 5 y अपॉन x ठीक है बिकॉज़ दिस इज 1 है तो आप इसको ऐसे राइट अप कर सकते हैं y अपॉन x रेस पावर 0 5 y अपॉन x रेस पावर 0 दिस इज फंक्शन तो v1 is equal to x raise to minus 2 and y upon x phi 1 so this is n1 is equal to minus 2 next v2 is equal to 1 upon x y तो आपको ये adjustments करने हैं आप कोई भी common कर सकते हो x raise to minus 1 है but is here y तो y upon x की भी requires है आपको this is y by x into x तो this is again x raise to minus 2 and phi 2y upon x so that is degree n2 is equal to minus 2 similarly v3 go to v3
दिस इज एक्स अपॉन वाई, ठीक है, एक्स अपॉन वाई है तो नो प्रॉब्लम, एक्स अपॉन वाई लॉग एक्स अपॉन वाई, और हियर दिस इज एक्स स्क्वायर कॉमन, सॉरी वाई स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, दिस इज एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर एंड प्लस वन. सो दिस इज v3 इज इक्वल टू हो जाएगा y रेस्ट टू माइनस टू, और ये हो जाएगा y3 x अपॉन y, नो प्रॉब्लम, दैट इज योर n3 इज इक्वल टू माइनस टू. तो अब v1 v2 v3 फाइंड आउट हो गए, अब इस केस में आपको ये ऐड करके फाइंड आउट्स कर लेना है, सिंपल है. तो दिस इज z इज इक्वल टू v1 प्लस v2 v3 है, दिस इज z इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3. सो नाउ x del z del x y del z del y is equal to, this is n1 v1 n2 v2 n3 v3. So taken this, all this is minus minus 2 minus 2 minus 2, everyone this is minus 2 v1 minus 2 v2 minus 2 v3. So minus 2 is common, v1 plus v2 plus v3, that is minus 2z. Okay, for minus 2z transfer left hand